नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पार्ट टू ऑफ द वीडियो सीरीज जो कि है हमारा करियर ऑप्शन फॉर लॉ स्टूडेंट्स आफ्टर दे ग्रेजुएट फ्रॉम लॉ। तो अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है ऊपर हमने प्रोवाइड किया और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हम उसे दे देंगे, काइंडली चेक दैट आउट बिकॉज ये एक कंटिन्यूएशन में है वो वीडियो का, जिसमें कि हमने आपको ऑप्शंस बताए हैं कि एक लॉ ग्रेजुएट के पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं आफ्टर ही और शी ग्रेजुएट्स फ्रॉम लॉ। तो कंटिन्यूइंग विद दैट, बाकी के जो करियर ऑप्शंस है फॉर अ लॉ स्टूडेंट हम आज के इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि एक ऐसी स्पेस है जहां पर हम लीगल टॉपिक्स के बारे डिस्कस कर टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिससे कि हमारे सुनने वालों को उससे फायदा हो। तो अगर आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, अगर आप टाइम टू टाइम लीगल टॉपिक्स के बारे अपडेट रिसीव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन जो है फॉर अ लॉ स्टूडेंट आफ्टर ही और शी ग्रेजुएट्स फ्रॉम लॉ स्कूल इज दैट ऑफ अ पॉलिसी एनालिस्ट। पॉलिसी एनालिस्ट कौन होते हैं? अब मान लीजिए गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसी के साथ आ रही है या देयर इज न्यूज दैट यू नो द गवर्नमेंट माइट ब्रिंग इन दिस पॉलिसी जिसमें कि वो स्पेसिफिक काइंड ऑफ लॉज पास करेंगे। तो एवरी बिजनेस हाउस वो चाहते हैं कि हमारी टीम में ऐसे लोग हों जो कि पॉलिसीज को फोर्सी कर सकें, हमें किस टाइप की फ्रेमवर्क में हमें काम करना होगा बिजनेसेस को वो फोर्सी करके वो एक बिजनेस को बताएं, एक रिपोर्ट तैयार करें ताकि बिजनेसेस अकॉर्डिंगली डिसीजन लें जिससे कि बिजनेसेस का काम और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े और जो उनके ऑनगोइंग ऑपरेशंस है वो अफेक्ट ना हो। क्योंकि जो बड़े लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको गवर्नमेंट की पॉलिसीज को बहुत ज़्यादा गहरे तरीके से समझना होता है क्योंकि उनके जो ऑपरेशंस होते हैं बहुत बड़े होते हैं। अब दोस्तों फॉर एग्जांपल आप ये अमेज़न का एग्जांपल ले लीजिए। जब ये कोविड हुआ था, जब पूरे कंट्री में लॉकडाउन हुआ था, देयर वर अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स जो अमेज़न के पेंडिंग थे जो कि वो अपने कस्टमर्स को नहीं पहुंचा पा रहे थे। तो उनकी कंपनी में ऐसी एक टीम होगी जिन्होंने अलग अलग जो अलग अलग स्टेट्स के या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के जो डीएम्स होंगे उनसे बात करके समझा होगा कि ऐसा कौन सा सर्कुलर है, हम कैसे ऑर्डर्स को डिलीवर करें, हम कैसे अपने ऑपरेशंस को चालू रखें ताकि ये कंपनी बंद ना हो जाए। तो दोस्तों ये जो काम होता है जनरली एक पॉलिसी एनालिस्ट का होता है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ गवर्नमेंट की लाइजन करें, उनसे बातें करें और कंपनी को एडवाइस कर सकें, जो अपने बिजनेस हाउस उन्हें एडवाइस कर सकें कि बिजनेस को किस डायरेक्शन में ले जाना है। तो दोस्तों इसमें जो माइंडसेट चाहिए वो है कि यू शुड बी एबल टू फोरसी कि क्या पॉलिसी आने वाली है, कॉम्प्लेक्स डेटा को आप इंटरप्रेट कर सकें। कई लोग होते हैं उनके पास ये नैप होता है, दे आर एबल टू जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और अजीब सी इंफॉर्मेशन होती है उसको वो एनालाइज कर लेते हैं। तो ऐसा माइंडसेट बहुत जरूरी है और अगर इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड हो तो दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। तो दोस्तों नेक्स्ट जो ऑप्शन है विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन फॉर लॉयर्स विच इज दैट ऑफ राइटिंग। अब दोस्तों कई लॉयर्स हैं जो कि जिन्होंने अपना करियर ही राइटिंग से स्टार्ट किया है, उन्होंने कई बुक्स लिखी हैं और कईयों ने तो यू नो लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल समवन लाइक जॉन ग्रिशम, उन्होंने वो ही वाज अ लॉयर, ही फाउंड दैट जॉब बोरिंग एंड ही स्टार्टेड राइटिंग अबाउट यू नो उन्होंने जो भी अपना एक्सपीरियंस किया उसके बारे में उन्होंने लिखा एंड ही मेड देम इनटू सो मेनी नॉवेल्स। दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग। द अदर वे ऑफ राइटिंग इज एकेडमिक राइटिंग। देयर आर लॉट ऑफ लॉयर्स जो कि अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं एंड सिंस दे आर एक्सपर्ट्स दे हैव दैट अथॉरिटी टू राइट दैट बुक। लाइक लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर अरविंद दातार, उन्होंने कई सब्जेक्ट्स पे कई कॉमेंट्रीज लिखी हैं। अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स एंड कुलीग्स हुम आई नो उन्होंने अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में जिनमें उन्होंने स्पेशलाइज किया है दे रिटन बुक्स। सो राइटिंग इज ऑल्सो अ वेरी गुड करियर ऑप्शन, अ लॉयर कैन परस्यू इट फुल टाइम और पार्ट टाइम। और इसके लिए जो माइंड सेट चाहिए दोस्तों वो ये है कि यू शुड हैव अ क्रिएटिव माइंड बिकॉज राइटिंग में ऐसा है कि वेन अ पर्सन रीड्स वॉट एवर योर वर्क इज दैट पर्सन शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। यू शुड हैव प्रॉपर होल्ड ओवर नॉलेज एंड यू शुड बी समवन जो कि अपने थॉट्स को वर्ड्स में ब्यूटिफुली पोर्ट्रे कर सकता है। अब दोस्तों जो सेवेंथ ऑप्शन है फॉर अ लॉ ग्रेजुएट इज दैट ऑफ बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर और अ बिजनेस ओनर। व्हेन आई टॉक अबाउट बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर और अ बिजनेस ओनर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिकमिंग यू नो द मैनेजिंग पार्टनर ऑफ अ लॉ फर्म। मैं लॉ फर्म्स की बात नहीं कर रहा हूँ, दैट इज वन साइड जिसके बारे हमने बात कर लिया है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अपना खुद का बिजनेस चलाना। जैसे कि मान लीजिए आप यू नो यू आर हेडिंग अ कंपनी, यू आर फ्लोटिंग योर ओन कंपनी और प्रोबेबली मैनेजिंग अ कंपनी। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट बिकॉज यू नो अ लॉ ग्रेजुएट हैज ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ लीगल नॉलेज
और उसके साथ अगर आपने कुछ साल लॉ को प्रैक्टिस किया है या आपने किसी के साथ जूनियरशिप किया है, तो यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल साइड ऑफ लॉ एज वेल, कि बिजनेसेस कैसे फ्रेमवर्क में काम करते हैं. सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड करियर ऑप्शन फॉर लॉयर्स, कि आप बिजनेसेस को ओन करें या उन्हें रन करें. द एग्जाम्पल ऑफ बिजनेसेस इन इंडिया विच आर रन बाई यू नो पीपल हु हैड लॉ का बैकग्राउंड is that of Godrej, CC Avenue is another company, then there is Indigo, all these companies are being run by law graduates. Dosto, ispe jo mindset hona chahiye, you should be willing to meet new people, network with them, you know, talk to new people, make new connections. This is the kind of mindset that you require. And secondly, you should have an immense ability to take risk. Aapka jo willingness hona chahiye to take risk, wo bahut bada hona chahiye, because business is all about taking risks. दोस्तों एक option जो एक law student के पास होता है, it is that of entering the army. जी हाँ दोस्तों, you heard it right, entering the army in the capacity of a lawyer, जिसको कि हम कहते हैं JAG, Judge Advocate General, JAG, Judge Advocate General. So क्या होता है कि जो army होती है, उनके भी काफी internal disciplinary proceedings होती है in the form of court martial या फिर किसी दूसरे तरीके की court proceedings, जो कि वो अपने जो army के लोग होते हैं, उनको वो उसमें try करते हैं. तो यू नो देर इज ऑल्सो रिक्वायरमेंट फॉर लॉयर्स, बट इसमें जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स है वो ना केवल एकेडमिक होती है, बट देर आर ऑल्सो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स विच यू नीड टू चेक अप बिफोर अप्लाइंग फॉर इट. बट दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि यू वॉन्ट सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जिसमें कि आपकी नौकरी वगैरह इफेक्ट ना हो, और आप चाहते हैं कि आप सारी उम्र फिट रहें, आप किसी तरीके से खेल कूद के साथ जुड़े रहें. उसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जब आप एक आर्मी को ज्वाइन करते हैं एज अ लॉयर. फिर अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत रिस्पेक्ट मिले, बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज हो आपके काम में, तो ये सारी चीज़ें, अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि आपको ये सारी चीज़ें चाहिए अपनी लाइफ में, तो दिस वुड बी प्रोबेबली द राइट करियर ऑप्शन फॉर यू. नाइन्थ ऑप्शन जो है दोस्तों, इट इज़ दैट ऑफ अ जुडिशियल क्लर्क, जो जजेस के जो लॉ रिसर्चर्स होते हैं. दिस इज नॉट दिस आई वुड नॉट सजेस्ट कि ये एक फुल टाइम जॉब है, बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू नो यू वुड वॉन्ट टू डू समथिंग ऑन योर ओन. But for people who want to eventually practice, मैं suggest करूंगा कि this is a good career option right after you pass out of law school, क्योंकि इसमें आपको पता चलता है कि judges क्या देखते हैं. When they look at a matter, what do they look at? ये आपको दूसरी साइड से देखना देखकर समझ आता है कि cases कैसे judges के mind में play करते हैं before they take a decision. So after passing out of law school, दिस इज अ गुड करियर ऑप्शन. आप जजेस के क्लर्क बन सकते हैं, बिकॉज जजेस के पास इतना टाइम नहीं होता सारी फाइल्स को देखे. तो जो लॉ क्लर्क्स होते हैं, जो जजेस के जो रिसर्चर्स होते हैं, वो ब्रीफली जज की फाइल में लिख देते हैं कि व्हाट आर द पॉइंट्स इन्वॉल्व इन द फाइल, एंड क्या ऐसी चीजें हैं जो यू नो द मैटर इज अबाउट. इसका मतलब ये नहीं कि जजेस फाइल्स को पढ़ते नहीं है, जज के क्लर्क ने जो लिख कर दिया है, जज उसको माइंड में रखे, उन्हें एक ब्रीफली आइडिया हो जाता है कि व्हाट द मैटर इज अबाउट, एंड देन दे प्रॉब्ली रीड द होल फाइल. सो इफ यू हैव द माइंडसेट ऑफ यू नो इफ यू वांट टू इवेंचुअली स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस, या आप इवेंचुअली यू वांट टू जॉइन अ फर्म, दिस कुड बी वन करियर ऑप्शन आफ्टर यू पास आउट ऑफ योर लॉ स्कूल. नेक्स्ट दोस्तों, जो लास्ट हमारा ऑप्शन है वो है दैट ऑफ अ पॉलिटिशियन. दोस्तों पॉलिटिशियंस जो हैं, उनको हमारे इंडिया में स्पेशली एंड अब्रॉड एज वेल, यू नो इवन बराक ओबामा वॉज अ लॉयर. So, you know, law ki agar knowledge ho politicians ko, it is very important for them, because they are the people who take calls in a country. Jab aap politician hai aur eventually aap elect ho jate hain, you make policy decisions in a country. And agar koi law graduate hai jo chahte hain ki hum country ke development mein aur country ke you know unnati mein yogdan de, so you know thinking about becoming a politician or aspiring to become a politician is a very good career option. और अगर आप दोस्तों पॉलिटिशियन बनने की कोशिश कर रहे हैं, एक ही रिक्वेस्ट है, ट्राई टू कर्ब करप्शन दैट इज देयर इन आर करंट पॉलिटिकल सेटअप, बिकॉज इवेंचुअली इट्स करप्शन जो सारी चीज़ों को इरोड करती है, खा जाती है. एंड ज्वाइन पॉलिटिक्स ओनली एंड ओनली इफ यू वॉन्ट टू सर्व पीपल एंड नॉट मेक मनी. पैसा ऐसी चीज है, पैसा तो आ जाता है, पैसा तो किसी ना किसी तरीके से यू नो एवरी वन अर्न्स, द ऑलमाइटी हु हैज सेंट अस will send us some opportunities to you know earn our livelihood. वो उसकी problem नहीं है. You don't need to think about making money. पैसा is a byproduct. But you know ये जितने भी हमने career options आपको बताए हैं, this should be a mode which you look at to serve people.
बिकॉज सर्विंग पीपल इज द ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन जो किसी को भी मिल सकती है. अगर आप लोगों की सेवा करते हैं, अगर आप लोगों को किसी तरीके से सर्व कर सकते हैं, बीट एज अ लॉयर, बीट एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, बीट एज एन आईएएस ऑफिशियल, अ ब्यूरोक्रैट, यू नो, एज अ पॉलिटिशियन, जिसमें भी आपको लगता है कि यू कैन सर्व पीपल इन अ बेटर वे, आई डोंट थिंक सो देर इज एनी ग्रेटर सेटिस्फैक्शन देन दैट. तो दोस्तों, वाइल एंडिंग मैं आपको ये बताऊंगा, जो हमने इतने सारे करियर ऑप्शंस आपको बताए हैं, 10+4 जो 10 करियर ऑप्शंस बताए हैं, प्लस जो चार ट्रेडिशनल करियर ऑप्शंस हैं जो बताए हैं, इनमें से आप कोई भी करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं. द स्काई इज द लिमिट, बट वाइल चूजिंग योर करियर ऑप्शन, द ओनली थिंग दैट यू शुड हैव इन माइंड इज, दिस इज माई ओन पर्सनल पर्सपेक्टिव, दिस इज माई ओन पर्सनल से, द ओनली थिंग दैट यू शुड हैव इन माइंड इज कि आप किस तरीके से इनमें से कोई भी एक करियर को चूज करते हैं तो आप किस तरीके से लोगों को सर्व कर सकते हैं, सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं इन अ बेटर वे. तो विद दैट फ्रेंड्स, वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे काइंडली लाइक कर दें, और दिस इज अ स्पेस जहां पर कि हम वी डिस्कस अबाउट ऑल लीगल टॉपिक्स और लीगल डिस्कशंस करते हैं. और अगर आप ऐसे ही लीगल डिस्कशंस के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल और प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज उससे क्या होगा कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं वो डायरेक्टली आप तक पहुंच जाएगा. और दोस्तों, अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है या अगर आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पे बात करें तो आप वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. बाकी अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है जिससे आपको लगता है कि आपको लीगल कंसल्टेशन चाहिए, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन रीच आउट टू मी एंड वी बी मोस्ट हैप्पी टू हेल्प यू आउट. तो विद दैट आई टेक योर लीव फ्रेंड्स, आई होप यू कीप अ गुड हेल्थ एंड यू स्टे सेफ. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, गुड बाय.